द्विवेदी जी से कोटी -कोटी से से श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान आपके आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आपकी कृपा द्वारा प्रदत्त साधन पद्धति हम चलने धर्म विरुद्ध कोई भोग नहीं भोगते परंतु जब तक भोग बुद्धि है श्री जी की से सच्चा प्रेम कैसे होगा जब तक देह भाव है देहाभिमान तब तक अज्ञान अविद्या रहती है जब अज्ञान और अविद्या रहती है तो विषयों में सुख है यह बुद्धि निश्चय करती ही रहती है भजन के प्रभाव से सत्संग के प्रभाव से विचार के प्रभाव से केवल सत्संग सुना विचार नहीं किया तो अधूरा भजन कर रहे हैं विचार नहीं है तो अधूरा पूरा भजन विचार है आपका एक एक कदम विचार पूर्वक रखा जाए विचार अहंकार रहित विचारों में विष है अहंकार अहंकार रहित विचार किया जाए अब विचार यदि भोगों में सुख होता तो जिनको भोग मिले हुए हैं जो भोग रहे हैं उनको तृप्ति हो जानी चाहिए थी नहीं हो जानी चाहिए जैसे हमने पानी की चाह की पानी मिला प्यास बुझ गई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद प्यास जग गई, फिर पिया फिर प्यास जग गई, इसे तृप्ति तो नहीं कहा जाएगा तात्कालिक कामना निवृत्ति हुई पूर्ण होने के कारण तो मुझे शांति सी लगी वो शांति कामना की पूर्णता की स्थिति में जो कामना नहीं रही उसकी है अगर विवेक के द्वारा हम कामना का त्याग कर दें तो निरंतर शांति बढ़ती जाएगी भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम भोगों की सुख बुद्धि का त्याग करने से परम शांति की तरफ हमारी गति होती है शांति बढ़ने लगती है त्यागात शांति अनंतरम तो हमें विचारपूर्वक देखना है कि भोगों में सुख कहां है विचार का मतलब होता है विवेक के द्वारा ऑपरेशन इस शरीर में सबसे ज्यादा आसक्ति है तो शरीर की आसक्ति के कारण शरीर भोग प्यारे लगते हैं जैसे दूसरा शरीर इस शरीर के कारण सुख बुद्धि दूसरे शरीर में चाहे वो स्त्री शरीर हो पुरुष शरीर हो दूसरे शरीर में शरीर में कौन सा ऐसा स्थान है जहां सुख का विशाल दरिया बह रहा हो क्योंकि हम सुख समुद्र भगवान के अंश सुख राशि हैं हम बिंदुओं से तृप्त होने वाले हैं नहीं सिंधु का अंश बिंदु से तृप्त नहीं हो सकता परमात्मा का अंश प्रकृति के भोग से सुखी नहीं हो सकता अविनाशी का बच्चा विनाशी पदार्थों के खेल से तृप्त नहीं हो सकता सिद्धांत को समझिए अब कहा सुख है अपने शरीर में या किसी और के शरीर में कहा सुख है जब गौर से देखते हैं तो इस संसार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है काम भोग स्पष्ट काम भोग सुख सबके हृदय में आकर्षित कर रहा है आप देखो ना अंदर से पशु पक्षी देवता मनुष्य कोई कोई भी छोटे छोटे जीव भी इसके अधीन है कौन सा द्वार है क्या उसमें है हम समझते हैं कि अगर ये शरीर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं जिसका शरीर वो है वो किसी और शरीर को चाह रहा है जो शरीर को भोग रहा है उसको घृणा है दूसरे शरीर की चाह कर रहा है हम उस शरीर की चाह करने के कारण उसमें सुख बुद्धि करके जल रहे हैं अगर अवसर मिला तो चाहे पापाचरण करके भोगना पड़े पर हम भोगना चाहेंगे जो भोग लेते हैं पापाचरण करके उनसे जेल भरी है या मार दिए जाते हैं या बुद्धि डिप्रेशन में आगे चल के चली जाएगी मन और बुद्धि उसको जला के नष्ट कर देंगे कहाँ सुख है अगर नाम जब करते हुए कोई एक डायरी रखे और गृहस्थ हो आप नाम जब ना छूटने पावे फिर आप सुख लिखना कि कितना मिला आपको कहाँ मिला आपको एक केवल धर्म से चलना जैसे पात्र व्रत धर्म जैसे एक पत्नी व्रत फिर आप देखो कुछ ही दिनों में आपको घृणा हो जाएगी और मन कहेगा इससे नहीं उससे 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 ये माया की चाल है किसी भी जगह कहीं भी कोई भी अगर सुख होता तो थोड़ा तो शांति मिल जाती लेकिन नहीं वो दूसरों को देख रहा है इस अवस्था का शरीर अब नहीं इससे इस, इस अवस्था का शरीर मिले इस रंग का मिले ऐसा हो वैसा कितना गंदा है दुष्ट मन कल्पना कर करके फंसाता चला जाता है बहुत अच्छे अच्छे जो शास्त्रों की बातें जानते हैं उनको फंसा देता है तो संसारिक जीवों की तो बात जाने दो जो शास्त्रों के रहस्य को जानना चाहते हैं उनको भी फंसा देता है एकमात्र जिनकी बुद्धि श्री भगवान में सुख है एहसास निश्चय करके जबरजस्ती मन को ऐसे भोगों से हटाकर नाम जब भगवत सेवा संत सेवा और धर्म पूर्वक विषय भोगना धर्म की सीमा के अंतर्गत तब जाके कुछ दिनों में अपने आप हृदय पवित्र होगा और ऐसे जैसे कोई वमन नहीं खाना चाहता ऐसे रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम्मे जन बड़ भागी वो बड़भागी भक्तजन वमन के समान भोगों का त्याग कर देते हैं तो अगर भजन की परिपक्व अवस्था नहीं होगी तो छोटे मोटे भजन से माया हटने वाली नहीं क्योंकि जैसे भक्ति भगवान की प्रिया है ऐसे माया भी भगवान की है भगवान को मायापति कहा गया ना अब खेल रखा गया है जैसे कबड्डी का दोनों पक्ष एक ही स्कूल के हैं मम माया दुर भगवान ने और ममई सो तुम भी भगवान के और वो भी भगवान की तुम वो भक्ति पक्ष में वो है माया पक्ष लेकिन दोनों भगवान की ही शक्ति से हैं अब आपको जैसे कबड्डी में जाया जाता है ना तो कबड्डी 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 तो राधा 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 राधा, राधा। अगर श्वास टूट गई तो आउट और वो पकड़ करके तुम्हारी श्वास तोड़ना चाहेंगे तुमको वहां से घसीटते हुए अपने पाले पे आला है वो काम क्रोध लो मोह तुम्हें फंसाना चाहेंगे वो पकड़ लेंगे तुम्हें पर तुम्हें फंसना नहीं उनसे छूट के अपने पाले में आना है और सांस नहीं तोड़नी राधा 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 फिर तुम जीत जाओगे नहीं तो आउट हो जाओगे ले हो जाते हैं हाँ बिल्कुल कबड्डी का, का खेल समझो जाना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि व्यवहार में गृहस्थी में या कोई भी हो जाना तो पड़ेगा ही माया पक्ष में अब हम क्या करते हैं कि जहाँ हमारे ऊपर अटैक हुआ काम क्रोध लो मद सर तो हम भूल गए कि हमें राधा राधा बोलना था बहुत सुंदर रूप है बहुत सुंदर पदार्थ है बहुत सुंदर वो लुभायेमान किया काम ने तो उसमें या गुस्सा गया बहुत दुष्ट है बहुत नीच अब भूल भूल गए तुम यहां बोलने आए थे कबड्डी राधा 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 आउट हो गए तुम पहले छूट गया नाम आउट हो गए कह विपत्ति प्रभु सोई तो सुमिरल भज फसा लेगा नहीं तो आप सच्ची वाली हैं थोड़ा नाम ऐसा स्टाक बने वो आपके पाप को भाषण करे पहले अनर्थ की निवृत्ति करे आपकी तो आप खुली आंख से देखेंगे कि त्रिभुवन में कहीं भी सुख नहीं में सुख है किस में सुख है अपने को जरा इस विषय पर विचार में लाओ कि सुख किस में है पर क्या सत सुख की तरफ कदम बढ़े नहीं तो वृद्ध शरीर हो जाता है और लालसा उन्हीं भोगों की रहती है पूरे जीवन भर जिन भोगों को भोगा कुछ हाथ नहीं लगा मरते दम तक उन्हीं भोगों को भोगने की इच्छा रहती भोग भले ना पावे बात समझ लो इसलिए नाम जब और बढ़ाओ सत्संग सुनते रहो और पहले मानी संख्या से सवाल हल होता है मानी शुक, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में है संसार के भोगों में नहीं है पर हम गृहस्थ हैं, संसारिक सुखों का भी एक समुदाय है जिसका हम सदुपयोग करते हुए भजन करते हैं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग तो है ना अब वो हमें काम आएगा तो हमारी पत्नी है धर्म पूर्वक मोह आएगा तो पुत्र आधे उनमें भगवत भावपूर्वक स्वाद के भोजन की इच्छा है तो बनाकर भोग लगाकर प्रसाद बड़ा बढ़िया है भगवत प्राप्ति का मार्ग गृहस्थी का भी तो कहते विरक्ति में क्यों तो ये सिंहों का मार्ग है सूर वीर बहादुर का इसमें नहीं कि काम आया तो लुढ़क गया क्रोध आया तो लुढ़क गया उसमें है कि वहां तुम्हें पाप नहीं लगेगा पर तुम ये खुले मैदान की लड़ाई है तो भगवान जिसको चयन करते हैं वो इस मार्ग में जाता है जिसको चयन करते हैं इस मार्ग में जाता है पर दोनों मार्ग भगवान तक ही जाते हैं अगर अपने अपनी पद्धति से चले तो ये सुख बुद्धि तब तक नष्ट नहीं होगी जब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा ध्यान रखना निज सुख बिन मन होई की थीरा जब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा घर में आनंद नहीं मिलेगा तो बाहर तो भटकेगा ही मन इसलिए खूब नाम जब करो और विचार पूर्वक, हर कदम, मतलब हर अंदर से विचार पूर्वक नहीं अगर इसमें सुख होता महाराज यह आती अपनी जवानी भोगे फिर अपने बेटे की जवानी ली और उसको भोगा फिर भी वही तृष्णा तब त्याग करते हुए कहा कि एक भगवत विमुख अदितेंद्री पुरुष को विश्व का सब भोग मिल जाए तो भी तृप्त नहीं हो सकता नाम जब इसकी शांति तभी है जब हम अधर्मयुक्त भोग तो भोगे ना और धर्मयुक्त भोगों को विचार पूर्वक भगवत चिंतन पूर्वक तब आपको सोन में आएगा कहीं सुख हृदय की बात कहता हूं कहां सुख है आप सोचो कहां सुख है विचार करके देखो ये जो भी यहां अच्छा लग रहा है वो केवल देखने में अच्छा लग रहा है छू लिया तो फंस गए बस ये कहीं सुख नहीं कहीं सुख नहीं अगर सुख है तो भगवान का चिंतन करते हुए जब मन निष्पाप हो जाएगा तब आपको पता चलेगा यही सुख है यही हृदय में ही सुख है बिल्कुल जैसे कोई उल्टी नहीं खाना चाहेगा बमन ऐसे है सारा भोग ये माया रचित है ये ऐसा भ्रम है कि वो समझाने से नहीं नाम जप जितना अधिक नामजप करोगे उतने पाप नष्ट होंगे जैसे जैसे निर्मल हृदय होता गया वैसे फिर और खास बात जैसे आपकी भोगों में रुचि नहीं है आप गृहस्थ में हैं आप भोग भोग रहे हैं आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं क्योंकि आपकी रुचि नहीं है पर पत्नी है परिवार है आपकी रुचि नहीं पर उधर रुचि है आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं अच्छा आप बिल्कुल नहीं भोगते हैं न ब्याह हुआ है न इधर भोगते हैं लेकिन अंदर अंदर चिंतन करके सुखी हो रहे हैं भोगों का कुछ नहीं अध्यात्म नहीं बन पाएगा बात समझे ना मारा एक भोगते हुए उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा और एक रोके हुए है पर उसका चिंतन कर रहा है और उसमें सुखी हो रहा है उसको अध्यात्म का सुख नहीं मिलेगा कोई उन्नति नहीं होगी अध्यात्म की बिल्कुल एक खास बात अंदर समझे न जिस समय विषयों का ध्यान चिंतन होता है भगवत चिंतन छूटा तो गंदा हो रहा है मन ध्यात विषयान पुनुषा संगास्ते शूप जायते संघात संजाते काम क्रोधो विजायते क्रोधात होती सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यती मन एक बहुत बड़ा कैमरा है जैसे सीसी जो टीवी है कोई निकला खड़ा हुआ बैठा बात किया चला गया फोटो खींचने की जरूरत नहीं पूरी वीडियो रखी उसमें ऐसे ही ये मन पूरी सीसीटीवी टीवी समझो ये द्वार है उसके पकड़ने के पांच ज्ञान इंद्रिया अगर आपने गंदा कोई दृश्य देखा गंदी बात सुनी गंदी बात बोली कभी गंदी बात करिए या गंदी बात पढ़ी तो आपकी वीडियो तैयार है सुनने पर वो पूरी फिल्म तैयार करके आपको दे देगा आज वहाँ हुआ पांच लोगों ने ऐसा किया ठीक है अब एकांत में बैठिए अब वो पांच लोग ले आएगा वो क्रिया ले आएगा सब फिल्म बना के आपको दिखा दे आपके अब आप एकदम उसी भाव से भावित हो गए जिसमें पांच लोग भावित हुए थे ये है इसकी चालबाजी अंदर से देखना है हमें सुनने को सावधानी से देखने को सावधानी से बोलने को सावधानी से अब अंदर के चिंतन की सावधानी मन जब तुम्हें कल्पना के वीडियो भेज रहा है कि ऐसा कर लो तुम सुखी हो जाओगे ऐसा कर लो उस समय न सुनना है न देखना है न रुकना है राधा 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 तो कल्पना की वीडियो भेजता जाएगा आप डिलीट करते जाओगे राधा 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 तभी वो जाकर एक दिन संकल्प रहित हो जाता है पूर्ण पवित्र हो जाता है पवित्र मन फिर भगवदाकार हो जाता है इंद्रियाणाम मनुष्य वो भगवान में हो जाता है तब जा के वो निर्विषय हुआ निर्विषय जैसे भुने हुए चने में कभी अंकुरण नहीं आ सकता ऐसे उस महात्मा के हृदय में कभी कोई काम उत्पन्न नहीं हो सकता जिसका मन भगवदाकार हो गया है ये केवल प्रवचन से नहीं रुकता है ये न प्रवचन सुनने से रुकता है न प्रवचन करने से रुकता है ये प्रवचन का मनन करके जो सार निकला भजन ये भजन से रुकता है जितना भजन करोगे उतना इस पर शासन दूसरा कोई उपाय नहीं है प्रवचन कर लो बाद में वही होगा जो मन कराएगा प्रवचन सुन लियो बाद में वही होगा जो मन कराएगा और भजन कर लो जो चाहोगे वही कर सकते हो मन के अनुसार नहीं शास्त्र के अनुसार भजन बिना तो भैया कुछ नहीं होने वाला भजन नहीं तो सब शास्त्र कंठस्थ कर लो मन पर शासन नहीं कर सकते भजन डट के हो रहा है खूब नाम जब शास्त्र स्वाध्याय दूसरों की सेवा और संयम पवित्र आचरण अब मन पर शासन कर लोगे मन एक दिन इतना भारी मित्र बन जाता है सच्ची कहते हैं कि जैसे जब हम इसे विषय चिंतन के लिए छूट दिए थे तो बिना प्रयास के बिना माला के बिना ध्यान के विषय चिंतन करता था और जब इसको मना लिया गया और भजन में लग गया तो जैसे विषय चिंतन करता था बिना प्रयास के आज वैसे ही बिना प्रयास के भगवत चिंतन करता है। इससे बड़ा कोई मित्र नहीं और इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं जी ये है कि आपके वचन सुन के भोगों में जो आसक्ति थी वो बहुत कम हो गई लेकिन अब जो सात्विक भोग है उसमें ही आसक्ति हो जा रही है मतलब सात्विक भोजन है अगर तो भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में पाइए क्या परेशानी देखो एक चीज होती है अनावश्यक भोगों को भोगने की इच्छा और एक होती है, आवश्यक शरीर निर्वाह अब बढ़िया गाड़ी है अब बहराग्य दिखाओ कि इसमें हम डीजल पेट्रोल तो डालेंगे नहीं भाई तो खड़ी ही रहेगी ना अगर डीजल पेट्रोल लाते हैं, तो इच्छा हो जाएगी ना फिर कैसे चले तो इसको क्या कहा जाएगा मूर्खता कहा जाए ना एक ही शरीर यात्रा के लिए गाड़ी मिली है अब जरूरत इसको है तो रोटी डाल दे रहे हैं और ज़रूरत है तो इसको फिर फल दूध आदि दे रहे हैं क्योंकि इसको चलाना है ये हम भोगता नहीं है इस शरीर इन विटामिन प्रोटीन इनसे ये चलता है अभी आप भोजन बंद कर दो पानी बंद कर दो अभी आपकी याददाश्त खत्म होने लगेगी क्रिया करने की शक्ति क्षीण होने लगेगी अभी कोई साधन नहीं बनेगा तो ये शरीर है भैया आप नहीं हो इसको ठंडी लग रही है तो कपड़ा पहना दो ठंडी का चिंतन क्यों करें भूख लग रही है भोजन पवा दो हम चिंतन क्यों करें वो चिंतन करेंगे प्रभु का अब कह दे कि भूख लगती है तो भोजन की याद आती है तो हमारी ये कमियां है नहीं नहीं इसकी जरूरत है शुगर कम होगी तो मीठे की चाह हो जाएगी नमक कम होगा तो अच्छा लग, अच्छा नमक पानी की इच्छा जागृत इस शरीर की आवश्यकता है तो देखो मोटरसाइकिल में तो, तो तेल डालते हैं ना इसके बाद और कुछ वो डालते हैं हाँ तो वो घी समझो थोड़ा <laughs> उसको भी शरीर को चाहिए जब लोहे लगड़ की गाड़िया लोहे की गाड़ियों में सब चाहिए तो थोड़ा घी है थोड़ा दूध है सब्जी है फल है खाए पिए और खूब मेहनत किए और खूब भजन के गंदे आचरण नहीं किए अब इसका मतलब थोड़ी कि हमें पानी पीने की इच्छा जागृत हुई ये बहुत तो गलत बात है नहीं गलत बात है नहीं शरीर को पानी चाहिए शरीर को भोजन चाहिए शरीर को प्रोटीन विटामिन चाहिए तभी तो हम यात्रा कर पाएंगे अगर गाड़ी में बैठे हैं हमें चाहिए थोड़ा शीशा भी साफ होना चाहिए नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा वह शीशे हैं नेत्र हाँ इन पर माया का पर्दा न चढ़े नहीं तो कहीं ना कहीं भिड़ा देंगे बुद्धि साफ है नेत्र साफ देखो ना गाड़ी को साफ करते कि नहीं करते तो हम इसे नहलाते हैं धुलाते हैं कपड़ा पहनाते हैं अच्छा खवाते हैं जो जितना धर्म पूर्वक और इसको अच्छे काम में लगाते हैं अब गाड़ी बुरे काम के लिए ले जा रहे हो या अच्छे काम के लिए ये तुम्हारी बात है ड्राइवर की बात है अब आप शरीर से पापाचरण कराते हो या धर्माचरण ये तुम्हारी बात लेकिन इसको भोजन देना वस्त्र देना इसकी व्यवस्था करना इसको स्वस्थ रखना ये हमारा कर्तव्य है कर्तव्य को हम इच्छा थोड़ी कहते हैं अब कहते नींद लेना भगवान आदेश करते हैं युक्त आहार विहार से थोड़ी देर व्यायाम करना थोड़ी देर टहलना ये सब शरीर के लिए आवश्यक है अब उसको इच्छा नहीं कहा जाएगा टहल रहे हैं तो हम नाम जप कर रहे हैं भोजन पा रहे हैं तो नाम जप कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो नाम जप कर रहे हैं सारे कर्म भगवान को अर्पित कर भक्ति को मतलब एक अलग मान लिया गया है ऐसा नहीं है जब सही माने में भक्ति की बात समझ में आएगी तो सब कुछ भक्ति हो जाएगा उसे सच्ची कहते हैं जिस दिन तुम भगवान को अंतर से समर्पित हो गए तो तुम कहीं भी चलो परिक्रमा हो रही है हमारी बात नोट कर लेना तुम्हारे पैरों का चलना परिक्रमा माना जाएगा तुम्हारे हाथों से जो क्रिया होगी वो पूजा मानी जाएगी तुम्हारी वाणी से जो निकलेगा वो स्तोत्र माना जाएगा क्यों क्योंकि आप भगवान को समर्पित हो चुके हैं शरणागति भगवान की हो जाए तो हर कार्य श्री भगवान की पूजा हो जाएगी तो इस शरीर के इस मंदिर में प्रभु बैठे हैं जब हम भोजन पाते हैं तो प्रभु के पास जा रहा है शरीर को नहला धुला रहे मानो मंदिर में पूछा लगा रहा है भाव ही तो है शरीर तुम थोड़ी हो भाव कर लो, अभी भगवान की भक्ति में रंग आ जाए अब दो डिपार्टमेंट कर लिए हो अभी एक अपना संसार का डिपार्टमेंट और एक भगवान का बहुत समय लगेगा बहुत समय लगेगा देख लेना दो हटाओ एक डिपार्टमेंट का हम माला जप रहे तूसरी भगवान में फावड़ा चला रहे तूसरी भगवान में एकांत में पूजा गृह में, में बैठे तो भगवान में ऑफिस में तो भगवान में दुकान में तो भगवान में तब सच्ची भक्ति होगी पक्का समझ लीजिए इस शरीर की सेवा भगवान की सेवा है ये मानना पड़ेगा अगर ये नहीं मानोगे तो फिर ये अशांति बनी रहेगी और परेशानी रहेगी एक बार राधा बाबा के साहब ने मीठा तो, तो भाई जी से कहा कि क्या ब्रह्मबोध होने के बाद भगवत साक्षात के बाद ये इच्छा रहती है मीठा आदि की तो भाई जी ने कहा कि इसे आप कमी मत मानिए अब शरीर को जरूरत है सुगर की मीठा की तो मांग कर रहा है तो उसको खवा दो आप कोई शरीर थोड़ी हो यह बात देखनी है अब प्यास लगी है तो पानी देख के मन हुआ कि पी लें बोले यह तो इच्छा है नहीं नहीं जरूरत है ये पानी की जरूरत है तो इन बातों पर ध्यान रखना है, इसको हम इच्छा नहीं कहते एक दिन है जो शरीर की आवश्यकता है हाँ अब खा पी के सब बिल्कुल अब हम गंदा चिंतन कर रहे हैं गंदी बातों में हमारा अब इसे रोकना है पराई माता बहनों की तरफ गंदी अब रोकना है पराय धन आदि को देख करके इच्छा करना कि हम भी इतना धन कैसे प्राप्त करें जैसे भी मिले ये गलत है हम धर्म पूर्वक चले और ये जो है शरीर की है ये चाहिए ये होती रहेंगी ये सिद्धों में भी होती है जैसे स्वभाव है सात्विक तो राजसिक भोजन रखो तो उन कहेंगे हमारी इच्छा नहीं हमारी रुचि नहीं क्योंकि प्रारंभ से सात्विक पाया तो अब वैसे स्वभाव बन गया ही स्थिति बन तो भी। हम से करते कि दोबारा प्रश्न करने की प्रियंका जीक्षी राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव मैं पिछले सात आठ महीनों से आपके वचनों पर चलने का प्रयास कर रही हूँ तथा नियमित रूप से नाम जप कर रही हूँ गुरुदेव नाम कीर्तन कथा श्रवण इत्यादि सभी की अपेक्षा नाम जप में कम मन लगता है पर जब से नाम जप करना प्रारंभ किया है तब से स्वयं में जो परिवर्तन देखती हूँ उससे नाम में विशेष विश्वास जागृत हो रहा है इसलिए मन लगे या ना लगे प्रतिदिन नियमित रूप से चालीस मिनट नाम जप करती हूँ महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आपने बताया है कि यदि नाम जप करते समय मन भागे तो फिर से उसे नाम में लगा लें गुरुदेव यदि नाम जप करते समय मन प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन करे या गुरुदेव भगवान का चिंतन करे तो कोई ये मन की चाल तो नहीं हमें तब भी मन को हटाकर फिर से लगाना पड़ेगा मन को हटाना वहां से है जो प्रभु से विमुख होकर चिंतन हो रहा है प्रभु की बातों का चिंतन हो रहा है लीला रूप गुण इस ये तो हमारा सौभाग्य है ये हमारी साधना है हमें हटाना वहां से है जो प्रभु से विमुख बातें चिंतन करा रहा है प्रभु से विमुख हमें ले जा रहा है वहां से हमें हटाना है हमारो किसी महाभागवत संत का चिंतन हो रहा है और नाम चल इससे बढ़िया क्या है प्रभु की श्री विग्रह का चिंतन हो रहा है प्रभु की कोई लीला का चिंतन हो रहा है तो इसमें तो निषेध नहीं यही सच्चा भजन है कि नाम चल रहा है और सत्य चिंतन चल रहा है ये बहुत बढ़िया है पर और भजन बढ़ाइए उठते बैठते चलते फिरते उसको मिनट में सीमित मत रहने दीजिए चालीस मिनट तो अपना अभ्यास कर रखिए ही बकाया जैसे पोछा लगा रहे सोहनी लगा रहे रसोई बना रहे या घर की कोई भी कार्य कर रहे तो हम राधा 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 राधा, राधा बीच में क्योंकि चालीस मिनट नाम में लगाया इसके बाद फिर मन को छूट दे रहे तो ये ऐसा तूफान है इसमें कि गंदा कर देगा फिर आपको दसवें वर्ष भजन करने पर भी ऐसा अनुभव होगा कि मुझे कुछ नहीं मिला ये हमारी प्रार्थना मान लेना चालीस मिनट आपने नाम जब किया इसके बाद छोड़ दिया इसको मन मानी तो ये गंदा कर देगा ऐसा चिंतन ऐसा मनन ऐसी तो हमें लगता है कि चालीस मिनट तो अभ्यास के लिए हम नियम से बैठे उठते बैठते चलते फिरते कोशिश करें हमसे जितना अधिक नाम हो जाए संख्या या बिना संख्या के वो सब भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है आपका राधा, राधा 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 कोई पद याद कर ले पद गाते हुए सेवा कर रहे या बीच बीच में नाम जप करते हुए कर रहे और नाम जप का फल शरीर स्वस्थता अस्वस्थता में ना मिलाए ध्यान रखना जैसे नाम जप के प्रभाव से यदि चाह जाए तो नाशवान परिवर्तनशील शरीर को रोग रहित किया जा सकता है पर वो सारा का सारा बैंक बैलेंस इस असत शरीर के खर्चा में आ जाएगा जुकाम हुआ नष्ट हो जाए नष्ट हो जाए बुखार आया नष्ट हो जाए ठोकर लगी कहीं चोट लगी नष्ट हो जाए पर बचा क्या भजन किस लिए किया जाता है भगवान की प्राप्ति के लिए इसलिए बड़े बड़े संतों में देखा गया कि वो हर कष्ट को सह लेते हैं भजन का फल ये होता है कि हर कष्ट की स्थिति में हमारा भजन नहीं रुका हमारी दिनचर्या नहीं रुकी हमें अंदर से कोई कष्ट नहीं है हमारा मन प्रसन्न है भजन का फल ये नहीं होता कि जुकाम ना हो बुखार ना हो या कोई कष्ट ना हो नहीं ये आएंगे और ये मिटाए जा सकते हैं भजन से पर आपके पास बचेगा फिर क्या और हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है हमें सबसे बड़ा दुख जन्म मरण से बचना है कि अब हमको ऐसे जन्म नहीं लेना जैसे अब जन्म हुआ अब जन्म लेना है अगर तो भगवान को साथ लेके आप हमारे साथ चलो आपका यश गाएंगे जगत मंगल होगा अब हम कर्म बंधन से नहीं जन्मेंगे तो भजन का फल कभी इसमें ना देखे कि हमें विपरीतता मिल रही विपत्ति मिल रही बुखार आ रहा है हमें एक कष्ट हो रहा है इसका मतलब भजन काम नहीं कर रहा ऐसा नहीं सोचना चाहिए भजन अविनाशी है यदि आप प्रयोग करोगे उस कोटि का भजन उतना करके तो आपके रोग को नष्ट कर देगा पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी इसीलिए चतुर भक्तजन के शरीर को भोग ले जो अपना प्रारब्ध है और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए भजन में बड़ी सामर्थ्य है निरंतर भजन करने से जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा और नहीं चाहोगे तो भगवान मिल जाएंगे प्रेम मिल जाएगा अच्छा यहां जो चाह वो कितने दिन टिकेगा क्योंकि जब शरीर ही छूट जाएगा तो बोले शरीर के भरण पोषण के लिए तो चाहिए वो भगवान सबको दिए हैं कर्मानुसार सबको दिए हैं जैसे बने वैसे धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करो और नाम रूपी पैसा ये भागवतिक बैंक के में जमा कर दो परलोक के लिए भगवत प्राप्ति के लिए तो जब आपका अच्छा नाम जब एकत्रित हो जाएगा तो इस लोक के जो दुख देने वाले पाप कर्म है वो अपने आप भस्म हो जाएंगे उसका प्रताप है जहाँ कर्म भस्म हो तो इस लोक में भी आप सुखी हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी इसलिए मुझे लगता है केवल 40 मिनट में नाम को सीमित न रखा जाए उठते बैठते चलते फिरते माला जरूरी नहीं है ये तो हम मन लगाने के लिए माला का प्रयोग कर अगर आपका ऐसे अच्छा लगता है ऐसे राधा 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 तो प्रभु गिनने कितने हो गए हम हर श्वास हर क्षण प्रयास करते हमें लगता है कि गिनने में कहीं ना कहीं आम भी पुष्ट होता है कि हम इतने माला करते हैं तो अगर हम वास्तविक ईमानदारी से श्वास श्वास पे भजन करें तो आपसे पूछा जाएगा आप कितना भजन करते हो आप कहोगे हमें पता नहीं है नहीं वैसे नहीं ऐसे ना वैसे हमें कुछ पता नहीं है और अच्छा भजन हो रहा है और कोई जान भी नहीं रहा है पर यहां तक पहुंचने के लिए माला की जरूरत है वो काउंटर नहीं चलो काउंटर इससे क्या होता है नवीन जैसे नए साधक है ना तो एक उत्साह बढ़ता है कल हमने ग्यारह माला जब भी आज तेरह माला जपी अच्छा कल अब हम पंद्रह जपेंगे पंद्रह से तो नीचे नहीं आने देंगे अब सोलह जपेंगे तो उसका जप बढ़ रहा है पर ऐसा भी अभ्यास करना चाहिए कि थोड़ी देर माला से तो थोड़ी देर बिना माला से भी कल हमारा हाथ टूट जाए तो भजन कैसे ये नाशवान शरीर कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं कल हमारा हाथ बेकार हो जाए कुछ हो जाए तो फिर कैसे भजन हो तो हम स्मृति में लाए बहुत बढ़िया आनंद आता है आप केवल पकड़िए हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है पक्का समझ लो बोले हम तो नौकरी में जाते इसलिए नहीं होता तो हर समय तुम्हें बोलना पड़ता है क्या तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर बैठ कर माला से गिनती से ये तो बढ़िया ही है बस नाम जपने का अभ्यास ऐसा किया जाए कि चल रहे तो नाम जप चल रहा है ऑफिस में है तो नाम जब चल रहा है, नौकरी कोई भी कर रहे हैं तो नाम दुकान में बैठे हैं ग्राहक आया भगवान का स्वरूप देखा कि भगवान इस रूप में आए मुनाफा के अनुसार सही बात बोल दी कपड़ा दे दिया फिर बेटे फिर नामजब कर रहे हैं सामान दे दी फिर नाम बढ़िया महात्मा है वो गृहस्थी में पर बड़ा कठिन है माया इतना आकर्षण करती कि ऐसा चल नहीं पाता ऐसा चला दे तो महात्मा ही है गृहस्थ में भी तो 40 मिनट में केवल अपने जीवन को ना रोक कर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हर श्वास नाम जपने की चेष्टा करें विशाल नायक जी आगरा से महर्षि चरण स्पर्श महारी श्री जी से प्रेम कैसे होता है और प्रेमी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए किसका है आ, श्रीजी से प्रेम प्राप्त करने के लिए पहले लालजू की कृपा चाहिए लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई तो लालजू की प्रीत के लिए पहले श्रीमद् भागवत और गीता का सिद्धांत हमारे हृदय में हो अगर प्रथम सुने भक्त मुख भगवत बानी प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी पहले भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके श्रीमद् भगवत गीता जी भागवत का सिद्धांत अपने हृदय में धारण करें फिर ये पांच चीजें जीवन में सदैव अभ्यास में लाता रहे पहला तो वेदो नित्य मधीयता अर्थात सत शास्त्रों का स्वाध्याय स्वयं करें पढ़ना आता है आपको हाँ तो गीता जी को और भागवत जी को एक एक अध्याय एक एक श्लोक एक एक शब्द समझने की चेष्टा करो ये प्रेम शब्द बहुत ऊंची बात है प्रेम शब्द आपने कहा जी से प्रेम इसलिए प्रथम वेदो नित्य मधीयताम दूसरा संगा सत्सु विधीयताम अर्थात जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका संग होना चाहिए अगर रोज संग नहीं हो पा रहा तो मोबाइल से सत्संग सुन सकते हो जिनके प्रति श्रद्धा हो ये सब भगवत स्वरूप है पर अपनी प्रेम प्रेम पिपासा जिस आराध्य देव के नाम रूप से है इष्ट मिले और मन मिले मिले भजन रस रीति तहा निशंक है मिलिए तासु कीजय प्रीति जिससे हमारा इष्ट मिलता है मन मिलता है भजन रसीद मिलती है। ऐसे महापुरुषों के मिलने से हमारे भजन की वृद्धि होती है हमारे प्रेम मार्ग का रूप प्रकाशित होता है संगा सत्सु विधेयताम महापुरुषों का संग करें फिर उनके द्वारा जो कुछ आदेश दिया गया है महावाक्यार्थस्य विचारताम उनके वचनों का चिंतन करें उनकी आज्ञा के अनुसार चले फिर लिखा है क्षुद व्याधिश चिकित्सताम अपने क्षुधारूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए सात्विक अन्न सेवन करें जो विरक्त है उसमें तो लिखा हुआ है भिक्षान्नम भिक्षा अन्न औषधि की तरह सेवन करें गृहस्थ है तो धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से सात्विक अन्न से इसीलिए सूत्र लिखा गया नहीं तो खाने पीने की बात क्यों लिखी गई क्योंकि भोजन से ही भजन का रंग चढ़ता है अगर भोजन सात्विक है तो भजन का रंग चढ़ेगा रजोगुणी तमोगुणी है तो फिर भजन नहीं होने पाएगा फिर संसारिक चिंतन विलासता ऐसा भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन तो उस सात्विक अन्न को भगवत समर्पित करके हम उसे पाए फिर पांचवा लिखा है एकांत एकांत में सुखासन में बैठ करके जो आराध्य देव का नाम मंत्र और रूप गुरुदेव ने बताया है उसके ध्यान का अभ्यास करना जैसे मान लो प्रिया जी के रूप का ध्यान नहीं हो सकता है तो हम राधा नाम लिखते हैं और राधा नाम का ध्यान करते हैं आंख खुली हुई बंद अब राधा राधा चल रहा है राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं रोज अभ्यास करो तो उसी राधा नाम में ही राधा रूप आ जाएगा देखिए रूप नाम आधीना नाम के ध्यान से ही रूप का प्रकाश हो जाए और जहां रूप का एक बार झलक लगी तो पी मूरति बसे तेहिरस रहा समाय ये लक्षण सुनी प्रेम के और न कछु सुहाए और न कछु सुहाए फिरे अपने रसमातो कुटुंब देहते जाय छूट सब सबहि बिदिनातो जहाँ जहाँ पी की बात सुने खोजतिन गहनन हित द्रु छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नयनन ओ अश्रु प्रवाह करता हुआ हाँ समस्त आसक्तियों का त्यागी अनुराग को प्राप्त हुआ रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान नारायण दृग जल्ब है या है प्रेम पहचान एक अद्भुत स्थिति आ जाती है पर फिर ध्यान दीजिए नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय नित्य महापुरुषों का संग और महापुरुषों के द्वारा बताई हुई उपासना उनके वाक्यों का चिंतन करते हुए उसी आदेशानुसार चलना और पवित्र आहार विहार करना और एकांत में बैठ करके अपने आराध्य देव के नाम और रूप का ध्यान करना इसी से प्रेम हो जाएगा इसी से मन हमारा अनुराग और वो कृपा करते हैं ये तो एक निमित्त मात्र साधन है वो कृपा करके प्रेम प्रदान करते हैं और जहां प्रेम प्रकट हुआ बस फिर यही विश्राम हो जाता है अब आगे वो आराध्य देव अपनी लीला का उसके हृदय में ऐसा प्रादुर्भाव करते हैं कि वो तो एक यंत्र हो जाता है यंत्री जैसा चलाते हैं वैसा चलता रहता है पर यहाँ तक चलने के लिए साधन बहुत आवश्यक है अब आजकल ब्रह्मचर्य पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा नए नए बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे तो और साधना कैसे बनेगी हर साधना की न्यू ब्रह्मचर्य है जब तक हम ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रखेंगे खान पान ठीक नहीं रखेंगे तो साधना की बातें सुन लेंगे कर लेंगे पर साधना नहीं होगी हाँ चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में गृहस्थ में है तो संतान उत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक और विरक्त में है तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है जैसे नए बच्चे इसलिए उस पर ब्रह्मचर्य है तो शास्त्र स्वाध्याय करोगे तो आपके समझ में आने लगेगा ब्रह्मचर्य है तो महापुरुषों की बातें सुनोगे आपके समझ में आने लगे ब्रह्मचर्य है तो आहार शुद्धि की अत्यंत आवश्यकता है ब्रह्मचर्य है तो आप एकांत आसन में शांत बैठ सकते हैं क्योंकि आपके शरीर में बल है अध्यात्म बल ब्रह्मचर्य आप अड़तालीस मिनट एक घंटे डेढ़ घंटे शांत तो बैठे राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं बिना हिले डुले देखो कठिन है बैठना अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो आप नहीं बैठ पाओगे इसलिए ऐसे साधन से चले तो महापुरुषों का आदर सत्कार संग और उनकी चरण रज का सेवन करने वाला निश्चित प्रेम को प्राप्त हो जाता है हाँ ये महत्पाद रजो भीषेकम प्रेम प्रदान करता है वृंदावन की रज लगाओ रसिकों का संग करो और जो साधन बताया उस साधन से चलते रहो उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 रटते रहो और शास्त्रों का स्वाध्याय करके संयम पूर्वक चलो चलना तो एक निमित्त मात्र है भगवान बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं वो जब देखते हैं कि साधक मुझे चाहता है प्राप्त करना तो वो सारा संयोग अंदर से बना देते हैं वो निमित्त मात्र केवल साधन होता है बात तो कृपा से होती है तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जहा नहीं भगत भगत और चंदन आपकी कृपा से ही भक्त के हृदय में शीतलता प्रदान करने वाले आपका प्रेम प्रकाशित हो जाता है सुरेंद्र शर्मा जी, दिल्ली से। बाहरी वातावरण में जब लोगों से बात करता हूं तो वहां ना चाहते हुए भी एक दूसरे की बुराई अपशब्द बातें करते हुए निकल जाते हैं बाद में पश्चाताप होता है तो मैं इसके लिए क्या करू गुरुदेव सावधानी जब हम किसी से बात करें तो सबसे पहले विचार करें कि हम भक्त हैं अंदर से हम भगवान के मार्ग के पथिक हैं हमको अपने मार्ग के विरुद्ध संभाषण नहीं करना अब जैसे कोई तुम्हारे साथ किसी की निंदा की बात कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी बात और मेरी बात कीजिए किसी की निंदा की बात करने से हम उसका सुधार नहीं कर सकते आप भी नहीं कर सकते और हमारा हृदय ऊपर से मलिन हो जाएगा तो इन निंदा की बातें करने से अच्छा नहीं है अगर वो नहीं मानता है तो हम हट जाते हैं धर्म की रक्षा के लिए अपने मार्ग की पुष्टता के लिए भगवान के सिवा हम किसी और का इसकोट से आदर नहीं करते कि उसका आदर करने से हमारा धर्म नष्ट हो जाए अगर हम इनसे बात नहीं करेंगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे नहीं आप धर्म से बात करोगे तो आपसे बात करेंगे नहीं हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे फिर हमको कौन गिरा सकता है तो यही आप अपने मन को समझा दीजिए किसी की निंदा किसी के पाप की बात किसी के दुख पहुंचाने की बात ना हम सुनेंगे ना हम बोलेंगे फिर देखो व्यवहार में पवित्रता आने लगेगी आपसे वो, आप वो लोग डरने लगेंगे बात करने से जो गंदी बातें करते हैं जो निंदा करते हैं कि तो सुनेगा नहीं ये चुप हो जाएगा हट जाएगा काहे को बेकार इससे हम बात करें पर जब हम रस लेकर बात करें अच्छा ऐसा हुआ तो और सुखी होकर के वो निंदा की बातें कमी की बातें मलिन मन है ना तो दूसरे की निंदा करना बड़ा अच्छा लगता है मलिन मन में पवित्र मन में नहीं पवित्र मन में तो जरा से दूसरे के मन की निंदा की बात आई सो आग लग जाती है हाय हाय मच जाता है प्रभु ऐसी बात कैसे आ गई आप सबके हृदय में बैठे नाथ हाँ मायाकृत उनसे दोष हो सकता है तो हम कौन होते हैं हमें अधिकार थोड़ी दिया गया कि हम किसी की निंदा करें अरे मायाकृत पूरा संसार है सब अपने अपने भाव कर्म के प्रेरित होकर के वैसे सब हम क्यों किसी की निंदा करें पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ दूसरे की निंदा करने से हाथ कुछ लगता नहीं और जिसकी निंदा की जाती उसका पाप अपने माथे पे लेके नरक जाना पड़ता है हम क्यों पाप करें पुण्य करना कितना कठिन है वो पुण्य नष्ट हो जाता अगर मान लो किसी संत की भक्त की निंदा कर दी बोले भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय कि ये सुकृत बहुजन्म के छिन्न में डायरेक्ट हो बहुजन्म के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो गए ये ऐसा गलती है किसी संत वैष्णव की निंदा कर देना साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि अच्छा आप क्या जाने किसका क्या स्वरूप है कौन कैस किस भाव से क्या कर रहा है अपने को क्या तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआ हमको अपना ठीक करना है। जब कोई निंदा करने लगे तो राधा 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 हट जाओ जब तुम्हें गुस्सा आवे किसी की निंदा करने की तो मौन हो जाओ अब नहीं बोलेंगे जब तक मन नहीं शांत हो जाएगा नहीं बोले ऐसे बचा जाता है फिर एक स्थिति आ जाती है जिसमें ये सब बातें होती नहीं पर जब तक ये बातें हैं तब तक मौन हो जाओ जहाँ कोई निंदा करने लगे तो सुनो नहीं राधा 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 चल वो क्या बोलेगा उसका आदर न करो उसकी बातें ना सुनो प्राय संसार के लोग जब चार लोग बैठेंगे तो भगवत चर्चा तो करेंगे नहीं इतना सौभाग्य कहाँ है वो तो किसी न किसी की गुण चर्चा और दोष चर्चा दो ही चर्चाएं हैं गुण चर्चा बहुत बढ़िया आदमी है ऐसे से ऐसा और वो है ना वो ऐसा अब एक की तो स्तुति की दूसरे की निंदा की एक की बड़ाई की दूसरे की अवहेलना कर दी बात गड़बड़ हो गई दोनों में श्री भगवान है ये हम देखने चले थे एक की बड़ाई कर दी एक की निंदा कर दी हमारा मन मलिन हो गया तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक गुण या उभ न देखी देखी स्विवेक हे भाई माया के द्वारा गुण और दोष अनेक रचे गए हैं सुंदर गुण यही है कि नाम किसी की स्तुति करते हैं ना किसी की निंदा करते हैं भगवान ने उसको बुद्धि दी वो ऐसे कर्म कर रहा है उसकी क्षमता उतनी वो ऐसे कर रहा है पर है भगवान के ही सब जन हम ये देखते हैं तो हमें लगता है ऐसे बचा जा सकता है अन्यथा तो फिर व्यवहार बहुत कठिन है सब भगत ही मिले ऐसा कहाँ सौभाग्य है हाँ हजार पुरुष में कोई एक होगा जो तुम्हें भक्ति की बात समझाए या समझ ले नहीं तो संसारी के मिलेंगे तो अपने को बचाना उनको उपदेश नहीं देना है उपदेश दोगे तो उपहास होगा तुम अपनी भक्ति से हाथ दो बैठोगे अपने को बचाना है फिर लोग उसे पागल भी कह सकते हैं कि पता नहीं किस दिमाग का आदमी ये है ऐसे कह सकते हैं तुम्हें अपनी भावना को दृढ़ रखना है उसे यहां ज्यादा बुद्धिमान बनने से ही फंसा जाता है थोड़ा अगर कम बुद्धिमान बने तो निकल जा सकता है अपने लोग ज्यादा बड़ाई और बुद्धिमत्ता में फंस जाते तो हम दूसरे की निंदा न करें दूसरे का अपमान न करें दूसरे को दुख ना पहुंचाएं। यदि हमारी कोई निंदा करता है अपमान करता है दुख देता है तो हम उसे भगवत प्रसाद मान के सह लेते हैं तो हमारे अंदर जो क्षमता आएगी वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली होगी पक्की फिर बीच में कभी कभी बोला है जो धर्म की हानि कर रहा हो या राष्ट्र की या ऐसा फिर हम उस समय नहीं सहेंगे फिर उस समय हम कानून का सहारा लेके बल का सहारा लेकर उस धर्माचरण आचरण को नष्ट करने वाले को हम रोकने की चेष्टा करेंगे पर ये आगे की बात है पहले अपने व्यवहार में सहन करना सीखें। समझ तो पा रहे अब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह ठीक है आप ये आपके परिकर के जन आए थे तो हमने प्रदान किया था माला इस संस्कृति के ज्ञानी शेर सिंह जी आहा ओके चले अच्छा हाँ, हमें नाम तो याद था, अब नाम नहीं याद दिलाई था, वाह गुरु जी का कारसा वाह वाह अच्छे संत बहुत अच्छे संत हमारा जीवन उन्होंने का हां मतलब साधुता देखने को मिली हाँ, बहुत दयनीय और बहुत निर्मल संत है जैसा नाम ज्ञानी वैसे ज्ञानी है भी वो हाँ बहुत अच्छा लगा हमें मिलकर के उनकी दृष्टि बहुत जादियाँ की बहुत सुंदर दृष्टि मतलब बाद में जब उनके जाने के बाद चिंतन हुआ तो बहुत अच्छा लगा कि आज हमें संत समागम मिला संत समागम भगवान की कृपा से बनता है